और आंटी ये फजर है मेरी कजन, इसके नाम का एक कमरा है मेरे घर में। सलाम अलैकुम जी। एक बार दस्तखत उस रिश्ते को बनाने के लिए किए थे, एक बार दस्तखत उसको तोड़ने के लिए करो, जान छूट जाएगी। आर यू ओके? एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं वो नहीं हूं जिसे तुमने टूट के चाहा था? पागल हो, मोहब्बत मौसम नहीं है जो दिसंबर में होगा और जून में नहीं होगा। आई लव यू एंड आई लव यू सो सो मच। अच्छा ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता डिस्पेयर होने लगती है? जहाँ मोहब्बत होती है ना मेरी जान, वहाँ डिस्पेयर नहीं होती। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुझे लग रहा है कि मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती? किसी बात पे खफा हूं मुझसे? मैं सच कह रही हूं सरमत, मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं रही। गुड गॉड, से कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम चाहते हो मैं तुमसे झूठ बोलूं? सरमत मैं सोचने लगी हूं कि जिन रिश्तों में मोहब्बत बाकी ना रहे उन्हें घसीट के जिंदगी के साथ खींचने का कोई फायदा नहीं। What the hell are you talking about? तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं होगी कि तुम ऐसी बीवी के साथ रह रहे हो जिसे तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं है? ओके, आई डोंट माइंड इट, बट आई माइंड इट सरमत। तुम्हारे पहलू में बैठ के किसी और को याद करूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? मेरे पहलू में बैठकर किसी और को याद करूं? किसको? प्लीज सर, टिपिकल मर्दों की तरह मत बिहेव करना। अगर मैं सच बोलने की हिम्मत कर रही हूं तो तुम भी सच सुनने की हिम्मत पैदा करो।
मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी। और तुम्हारे साथ बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी खैर आदमी के साथ बैठी हूं। कौन है वो? वही जो गेट पे फूल रख के जाता है। जरताब नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैंने वैसे ही पूछ लिया था, मुझे लगता है शायद मुझे अब पूछने का हक नहीं रहा। किसी ने कहा आपको हक नहीं? खफा हो गई है जी? खफा क्यों? अब मैं क्या बताऊं आपको? देखिए भाभी, बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, बाजा तो बहुत ही भयानक गलतियां करते हैं, मगर कुछ भी हो अपने होते हैं ना, औलाद हैं, कुछ भी कर ले उनको अपने से आप अलग तो नहीं कर सकते ना। मैंने बता दें, अब जो होना था वो तो हो चुका है, शायद किस्मत को यही मंजूर था। अब इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप इसको ना अब होनी समझ कर एक्सेप्ट कर लीजिए। भाभी देखिए, अपने लिए ना सही तो कम से कम उनके लिए कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए, जिनके सामने अभी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है। हमें तो शायद इस बात की ज़्यादा तकलीफ है नजफ भाई, इस सारे खेल में आप जैसे लोगों से ताल्लुक टूट गया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरी बेटी किसी और के घर गई है। अब लगता है माँ बाप कितने ताकतवर हों, बच्चों के हाथ में खिलौनों की तरह टूटते जुड़ते रहते हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि वो जरताब है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। नहीं, मर गई है वो, बस दफनाने से रह गए हम। मुबारक हो, उसे होश आ गया। तो मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं नहीं, 24 घंटे बाद मिल सकते। थैंक यू डॉक्टर, शुक्र है। हाँ।
زرداب 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 انجیکشن پلیز زرداب زرداب سرباد اب یہی بیٹھے بیٹھے اسے اونگ آ گئی تو میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو گیا. اب سو گیا تو میں نے ترس کھا کر سونے دیا. اچھا کیا, میرے خیال میں تم بھی تھک گئی ہوگی, کافی پیو گی. میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں. سرمند, وہ دو انجینئرز ہیں, میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اپوائنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ بھی ان سے ملو. اس کی ضرورت نہیں ہے نجف انکل. اچھا سنو, اگر تم زیادہ تھکے بھی نہیں ہو تو کیا خیر ہے, ہم سائٹ وائز چکر لگا لیں. میں بہت تھکا ہوں نجف انکل. اچھا, ویسے کمال ہے, تم دونوں دیکھنے میں تو جمال لگتی ہو, لیکن لیکن مطلب. اور یہ دوسرا کون ہے؟ فجر ارکان. اسے کیا ہوا ہے؟ اچھا سوال ہے. اس کا کندھا دکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کو آپ 2 گھنٹے تک اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئے رہے. For God's sake, Najaf uncle. What do you mean by for God's sake? Hai? Kya main jhoot bol raha hoon? Idhar dekhiye. Maine in gunagar aankhon se dekha hai khud. Samjhe? Aisa ho jata hai. Kabhi wo aapne bus mein safar nahi kiya? Aksar aapke saath baithe musafir ko thodi der mein oong aa jati hai aur wo aapke kandhe pe sar rakh ke so jata hai. Hmm. ویسے کبھی آپ نے بس میں سفر کیا ہے؟ اگر آپ اپنے برابر والے مسافر کے کندھے پہ 2 گھنٹے تک سر رکھ کر سوئیں نا, تو وہ گریوان سے پکڑ کے اگر مارے گا نہیں تو گالی ضرور دے گا بھائی صاحب, سمجھے آپ. خیر چھوڑیے, میرا تو نہ کندھا دکھ رہا ہے اور نہ میں تھکا ہوا ہوں, سو میں جا رہا ہوں سائٹ پر. اوکے, گڈ لک اینڈ تھینک یو. You're welcome. زہرا زہرا جی, اسے ہوش آ گیا ہے. سچ میں اسے مل سکتی ہوں؟ فی الحال تم اسے ہوش میں دیکھ سکتی ہو. مجھے اس کے پاس لے چلیے جلدی کیجیے. وہ زندہ ہے نامدار, ڈاکٹر سے پوچھو میں تو کب مل سکتی ہوں. میں پوچھتا ہوں, ابھی تم کمرے میں چلو. نہیں, مجھے یہیں کھڑا رہنے دو پلیز. وہ ٹھیک ہے زہرا, شام تک وہ خود سے بیٹھنے لگے گی,
और कल बातें करने लगेगी तुमसे। प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो क्या हुआ भाई साहब? पिछले 4-5 हफ्तों से क्या क्या मुसीबतें टूट रही हैं आप पर। सदका क्यों नहीं देती आप ही? सदका तो दे चुकी हूँ भाई साहब, अब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कैसी है वो? होश आ गया है उसे, पलकें झपक रही है। डॉक्टर कहते हैं शाम तक खुद से बैठने लगेगी और कल तक बातें करने लगेगी हमसे। जरताब कहाँ? आप चल के मेरे साथ कमरे में बैठिए ना, वहीं बातें करते हैं। आओ। माहीन और नायला नहीं आई? आती ही होंगी, हम जब घर से निकले तो वो सोकर उठे थे। अब चाय के लिए कहूँ? इस साल में चाय का क्या कहना है। वो जरताब तो बहुत परेशान होगी, कहीं नजर भी नहीं आ रही। वो यहाँ नहीं है, आई थी, मैंने वापस भिजवा दिया। अब वो हमारे साथ नहीं रहती भाई साहब, इसलिए वो क्या करती है, कितनी परेशान रहती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आखिर ऐसा भी क्या हो सा? वो बेटी है आपकी? अब हम उसको डिस्कस भी नहीं करते भाई साहब, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे भूल जाने में हमारी मदद कीजिए। ये कैसे हो सकता है स्वरा, भी बदन से खाल को अलग नहीं किया जा सकता। बदन पर कपड़े ना रहे तो खाल पहनने की भी जरूरत नहीं रहती भाई साहब। मैं इस पे खुश हूं कि रबाब मौत के मुंह से निकल आई, और चाहूंगी कि आप भी जाते हुए जरताब के नाम की फातिहा पढ़ जाए। मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। आग करने का मतलब अगर उसे प्रॉपर्टी किसी से अलग करना है तो ऐसा नहीं है। माँ ने दुआओं और अपनी मोहब्बत से बेदखल किया है अपनी बेटी को। ओके ओके, मैं आता हूँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? उसे होश आ गया, चलोगी? नहीं, नजफ अंकल भी नहीं है, मुझे ऑफिस में रुकना चाहिए।